कसीनो में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है जब आप गैमलिंग कर रहे होते हो कि आपका दिमाग आपको धोखा देना शुरू कर देता है। तो नंबर आपके दिमाग में होता है, आपके दिमाग में नंबर है, आप श्योर शॉट हो ये नंबर आएगा, आप उस नंबर को छोड़ के सारे नंबर लगा दोगे। मतलब इवन कई बार तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये रूलेट कोई आदमी है क्या जो मेरी मन की बात सुन रहा है, या मैंने बोला कि यार ये ना नंबर आ जाए और वही नंबर आ गया। वो सबसे ज़्यादा खिजाने वाली, सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली सिचुएशन होती है कि मतलब आपका मन नहीं चलता कि आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारो। ये तो वो पैटर्न तक वेट करने से पहले ही अगर आपने अपना सारा पैसा लॉस कर लिया तो आप करोगे क्या? बहादुरी दिखाना है तो अपने दोषों के खिलाफ, अपनी खामियों के खिलाफ बहादुरी दिखाओ। ओवरऑल आपका ग्राफ जो है ना ऐसे 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 करते नीचे आएगा। और बहुत कुछ है दुनिया में करने को, कसीनो जीवन नहीं है, गैमलिंग जीवन नहीं है, गैमलिंग जीवन का एक पार्ट है। मेरे साथ शुरुआती दिनों में ऐसी ही सिचुएशन कहीं घटी तो मैंने उसका फैसला किया कि मैं इससे निकलूंगा और लोगों को भी निकालने में हेल्प करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हेयर, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं ना कोई ट्रिक वगैरह के बारे में तो अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई मैं अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूं। मतलब मेरे अभी मैं एक जनरल ऐसे बात करना चाह रहा था कि जो कसिनो में एक बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सिचुएशन होती है वो। कसिनो में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है जब आप गैमलिंग कर रहे होते हो कि आपका दिमाग आपको धोखा देना शुरू कर देता है। कैसे धोखा देता है? और वो सबसे दयनीय स्थिति होती है, सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। और वो किसी के, ऐसा नहीं कि आप अनाड़ी हो तो आपके साथ हो रही है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो उसके साथ नहीं हो रही, ये हर एक के साथ होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गैम्बलिंग करते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन के तो मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं, पर फिर भी जो लोग कर रहे हैं, हर कोई गोवा नहीं आ पाता और उनको वो करना ही है, तो भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो एक वक्त, मतलब आपके दिमाग का सिचुएशन में रहने का कंटिन्यूस 1.5-2 घंटे से ज़्यादा का रोल नहीं होता। तो दोस्तों जब बार बार रहकर ऐसा खेलते रहते हो, 4-6 घंटे आपने बिता लिए, एक दिमाग का आपका ऐसा धोखा देना शुरू करता है आपको कि अगर हम, ये हर बैट के ऊपर लागू होता है, हर गेम के ऊपर लागू होता है, पर आप बार बार बैट खेल रहे हो, स्पेशली अगर हम रूलेट की बात करें तो नंबर आपके दिमाग में होता है, आपके दिमाग में नंबर है, आप श्योर शॉट हो ये नंबर आएगा, आप उस नंबर को छोड़ के सारे नंबर लगा दोगे, या उस नंबर को अगर कवर करोगे तो उस नंबर को सबसे कम कवर करोगे, मतलब सबसे कम पे आउट आएगा उस पर, कि अगर आप ही गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा मोटा लॉस ही होगा। और आप बोलोगे यार कहीं ये नंबर ना आ जाए, और कमाल की बात है कि आपने जितने भी नंबर कवर किए होंगे सारे नंबरों में से जाकर के वो नंबर आएगा। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता है। मतलब इवन कई बार तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये रूलेट कोई आदमी है क्या जो मेरी मन की बात सुन रहा है, या मैंने बोला कि यार ये ना नंबर आ जाए और वही नंबर आ गया, ऐसा आपको फील होगा। ये सबके साथ होता है, ये एनर्जी गेम है, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेम है, और नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो आप डरे हुए हो, आप कह रहे हो यार ये नंबर ना मारे, जैसे 22 को लेकर मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं कई बार ना 22 लगाना भूल जाता हूँ, जैसे कोई एक पर्टिकुलर बैट का पैटर्न है 22 में लगाना भूल गया, तो वो 22 ही मैं कहता हूँ अरे यार 22 छूट गया, बस ये ना मारे। अब मैंने इतने सब कुछ किया हुआ है और उसी के अंदर वो 22 भी कवर होता है और वो 22 भी आता है, ऐसा कई बार होता है। 22 को लेके होता है, कई बार 0 को लेके होता है, कई किसी भी एक नंबर को लेके हो सकता है। वो सबसे ज़्यादा खिजाने वाली, सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली सिचुएशन होती है कि मतलब आपका मन नहीं चलता कि आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, ये हालत हो जाती है। और यही सिचुएशन आपको फिर बहुत बड़े लॉस की तरफ घसीट लेती है। आप इसको इस तरीके समझो कि आप नॉर्मल दिमाग से बैठे हो, ये सिचुएशन आपको ज़बरदस्ती घसीट घसीट के लॉस की तरफ लेके जाएगी, आपको हरवा के छोड़ेगी। ये बहुत ख़तरनाक दयनीय स्थिति होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों लंबी लंबी सांसें लो, जो बचा कुचा माल मटेरियल है उसको बटोरो और निकल लो उस गैम्बलिंग से, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कम से कम 1 दिन का गैप में। कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो बार बार हारे ही जा रहे हैं, तो बॉस 2-3 दिन का गैप ले लो, दिमाग को फ्रेश होने दो, वो नंबर जो रट गए हैं उसको भूलने दो, दिमाग को भूलने दो। अगर दिमाग वो भूलेगा नहीं, वो फिर बात पर वही करोगे, इसके बाद ये नंबर मारेगा, इसके बाद ये नंबर मारेगा, क्योंकि आपके दिमाग ने 4 बार उसको रीड कर लिया। ऐसा कोई थम रूल नहीं है कि 13 के बाद 31 ही आएगा या 31 के बाद 13 आएगा, 31 के बाद 13 भी आ सकता है और 31 के बाद कोई भी और नंबर आ सकता है, इवन 31 खुद भी आ सकता है ना। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बाकी वो तो पैटर्न है ना कि कई बार वो 4 बार 0 स्पेल भी मारता है, वही 7 नंबर पे बार बार बॉल गिरती है। तो वो पैटर्न तक वेट करने से पहले ही अगर आपने अपना सारा पैसा लॉस कर लिया तो आप करोगे क्या? ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। मतलब मैंने लोगों को रोते हुए देखा है इस कंडीशन के अंदर,
बड़ी फ्रस्ट्रेट इरीटेट करने वाली सिचुएशन है। शायद मेरे साथ शुरुआती दिनों में ऐसी ही सिचुएशन कहीं घटी, तो मैंने उसका फैसला किया कि मैं इससे निकलूंगा और लोगों को भी निकालने में हेल्प करूंगा। दैट्स वाई आई एम हेयर, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं इसलिए ये वीडियो साइकोलॉजी और कैसीनो की वीडियो बना रही हूं। यार ये क्या होता है, तो ऐसे कभी भी हो ना, अपने आप से लड़ना पड़ेगा और आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। सिंपल बात, कायर बन के भागना पड़ेगा। बहादुर होना अकलमंद होना नहीं होता है, बहादुर कई बार मर जाते हैं और कायर जिंदा रहते हैं। तो कई बार कैसीनो वो जगह जहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी, गैम्बलिंग वो जगह जहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी। बहादुरी दिखानी है तो अपने दोषों के खिलाफ दिखाओ ना, जो आपके अंदर दोष है, खामियां, उसके खिलाफ बहादुरी दिखाओ। ये किसी को गुंडागर्दी कर ली, कैसीनो में जाके बहादुरी दिखा दी, गैम्बलिंग में बहादुरी दिखा दी, बीवी बच्चों पे बहादुरी दिखा दी, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी दिखाना है तो अपने दोषों के खिलाफ, अपनी खामियों के खिलाफ बहादुरी दिखाओ। तो ये सबसे दयनीय स्थिति है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ना सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। सोचो कैसा फील, कि नंबर आपके दिमाग में, आपको मालूम है कि ये नंबर मारेगा और आप नहीं लगा रहे या कम अमाउंट लगा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको रुकना पड़ेगा। आप और मैं आपको एक और बता दूँ, एक और सिचुएशन आएगी इसी के अंदर, आप कहोगे यार मेरे नंबर तो आ नहीं रहे, फिर आप मालूम क्या करोगे, अपने आसपास खड़े हुए लोगों से बोलोगे अच्छा कोई नंबर बोल, किसी से भी पूछोगे कोई भी नंबर बोलो, आँख बंद करके लगाओगे, किसी से पूछ के नंबर लगाओगे कि रैंडम नंबर लगाऊंगा तो आएगा। आप जो मर्जी कर लो, आप 30 नंबर भी कवर कर लो, 35 नंबर भी कवर कर लो, उसने अगर आपकी 6 बैट खानी है तो 6 बैट खानी है। ऐसे में सिचुएशन है स्टॉप गैम्बलिंग, इमीडिएटली आपको रुकना पड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छा खासा बैकअप है और ये सिचुएशन चल रही है और आप रुकना नहीं चाह रहे हो, अभी शुरू हुआ है, तो फिर बिल्कुल माइनर बैट लगाओ, ताकि ये 8-10 बैट जो है आपकी चली भी गई तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, और फिर आपकी बैट आनी शुरू हो गई तो फिर धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाओ। आप जितना मर्जी कर लो, तो किसी से पूछो क्या होगा ना, इसमें एक बैट आएगी आपका हौसला बढ़ेगा, फिर तीन जाएगी, फिर एक आएगी, फिर तीन जाएगी, ओवरऑल आपका ग्राफ जो है ना ऐसे 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 करते नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे आएगा, बीच बीच में आपकी बैट भी आएंगी। तो ये सबसे दयनीय स्थिति है, ये बहुत सबसे इरिटेट करने वाली स्थिति है। ये वो सिचुएशन होती है कि आदमी का बस नहीं चलता, या तो किसी के और का गला घूट दे या अपना गला घूट दे, या बंदूक हाथ में तो गोली मार ले अपने, इतना दिमाग पजल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ माइंड गेम, गैम्बलिंग एक माइंड गेम है। इसको आप माइंड गेम और साइकोलॉजी से ही जीत सकते हो, इसको आप कलाकारी से नहीं जीत सकते, इसको आप ट्रिक जान करके नहीं जीत सकते। ट्रिक, कलाकारी, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करेगा आपका तजुर्बा कि यार ये नंबर मार रहा है, ये जिगजैग चल रहा है, ये कलर चल रहा है या नहीं चल रहा है ये। अरे कलर को भी आप फॉलो करोगे ना ऐसे टाइम पे, आपके टाइम पे कलर का पैटर्न चेंज हो जाएगा। एनर्जी गेम है ना, अब आप डर गए हो, आप घबरा गए हो, आप गुस्से में आ गए हो, आप रिवेंज लेने में आ गए, अब आप जो करोगे उल्टा ही होगा। आप किसी भी साइकोलॉजी वाले को पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, सिगमंड फ्रॉयड, फादर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। एवरीथिंग इज़ माइंड गेम, अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रण हटा तो आप गए। अब वो बात सिर्फ गैम्बलिंग की नहीं है, लाइफ के अंदर भी, रिलेशनशिप के अंदर भी, रिश्तों में भी, हर चीज़ में ऐसा होता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना, ये आप लोगों के साथ होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, स्टॉप गैम्बलिंग, कम से कम कुछ घंटों के लिए, और अगर ऐसा कई दिनों से चल रहा है तो कुछ दिनों के लिए आपको गैप लेना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचोगे 1 करोड़ रुपये आ जाएगा कभी तो मैं जीतूंगा, हाँ तो जीतोगे, पर अगर वो 1 करोड़ में से 60 लाख हार गए और 40 लाख जीत गए तो भी तो आप 20 पेटी नीचे ही हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। रुकना ही एक हल है, और बहुत कुछ है दुनिया में करने को। कैसीनो जीवन नहीं है, गैम्बलिंग जीवन नहीं है, गैम्बलिंग जीवन का एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट मिलकर के गैम्बलिंग बनती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। आपको कुछ क्या सोचते हो आप इस सब के बारे में, कमेंट करके बताना, आपके कमेंट आते तो अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।